लेन देन तो दो नंबर में हुआ, दो नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं उसके अंदर, वैभव गहलोत के नाम लिखे गए हैं, और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस किस एमएलए को कितने कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दिए पैसे, आया कहाँ पैसा गया कहाँ, सब कुछ था उसमें। तो इसमें जिनके नाम थे उनके नाम तो बता दीजिए, डायरी में जिनके नाम है, जहां पर लेन देन हुआ, पार्ट में बता रहा हूं ना, नहीं जिनको पैसे पैसे मिले उनके नाम, कितने कितने मिले, किसके से मिले, मैं टेबल करना चाह रहा था उसको, टेबल लेन देन कितने का होगा, डायरी में कितने का, टोटल लेन देन कोई लाख दो लाख दस बीस लाख का नहीं था, कदर दो पाँच करोड़ का नहीं था, उसके अंदर सौ दो सौ पाँच सौ करोड़ का लेन देन दूसरा मेरे पास। हमारे विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा गुड़ा मेरी मेरी जिंदगी का सवाल है, किसी भी कीमत पर ये डायरी निकाल के ला, किसी भी कोस्ट पर निकाल ला, और मैं गया, मेरे साथ दो लोग और भी थे, वो मना कर देंगे, आप सबको बताया रामलाल जी भी थे, वह लाठीचार्ज भी हुआ, वो धीरज गुजर भी था, लाठी में धीरे धीरे कहां का किस्सा है, कहां गया था, ये धर्मेंद्र राठौड़ के सिविल लाइंस में उसका जो सोम दत्ता अपार्टमेंट के अंदर नौवीं मंजिल और आठवीं मंजिल पर अपने गेट तोड़े थे, हमने गाड़ियां काटी थी, उसके बाद ये कब की घटना है भाई साहब, उनकी आवाज पर उनकी आवाज पर लॉकर में थी अलमारी में, अरे इनकम टैक्स वालों ने एटी वालों ने सीज कर दिया था, उसके बीच में सीजे तोड़ा, कब की घट गया सरकार को बचाने के लिए, डायरी लेके गुजर करा दीजिए आप।